और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक पर सबकी नजर होगी। मध्य प्रदेश में भी इसके असर को देखकर हलचल है। सूबे के जनसंपर्क मंत्री बीसी शर्मा ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे। वहीं उन्होंने एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नया अध्यक्ष युवा और अनुभवी हो, जिससे सरकार और संगठन को उससे लाभ मिले। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, हम लोग ही सबकी मांग है, चाहे वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हो, मंत्री हो, विधायक हो, एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता कि वो अध्यक्ष बने रहे, ये हम लोगों की सबकी कामना है और ये मांग है। और दूसरी तरफ जो मध्यप्रदेश की आपने बात की, तो कमलनाथ जी अभी तक मुख्यमंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर ली है, इसलिए अब आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा हाईकमांड, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मध्यप्रदेश के, ये सब तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा। जो भी अध्यक्ष होगा वो बहुत बेहतरीन अध्यक्ष होगा, उसके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। चलो, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, राहुल की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है और सभी की नजर इस बैठक में लगी हुई है, और वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का अब कहना है कि हम सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहें, और वहीं उन्होंने एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी यह खुलकर अपनी राय रखी है। क्या कहेंगे? सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह है कि मध्य प्रदेश के साथ ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुआ, क्या राहुल गांधी अपने पद पर बने रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। राहुल गांधी को मनाने के लिए सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। राहुल गांधी से उनकी बैठक की शुरुआत हो चुकी है और सब यही चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने पद पर बने रहें, क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो किसी एक नेता की हार नहीं, वो पार्टी नेतृत्व की हार है, पार्टी हाईकमान की हार है। क्योंकि अगर आप जनता से वोट नहीं ले सकते तो कहीं ना कहीं गलती आप में ही है, कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, इसलिए आपको अपनी पार्टी का पुनर्गठन करके पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ भी विधानसभा चुनावों के बाद कह चुके हैं कि सरकार और संगठन को एक साथ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं संगठन को पद नहीं, समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपने 35 सीटें की पेशकश भी कर चुका, क्योंकि उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ जिसे प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी और को दिया जाए। तो इन सब चर्चाओं के लिए मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, निगम मंडलों की नियुक्ति भी होना है, उन सब बातों को लेकर राहुल गांधी से कमलनाथ की मुलाकात दिल्ली में शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा आज वह जनसभा मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा कि चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हो, वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पद पर बने रहे और पार्टी को मजबूत करें। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि किसी युवा को मध्यप्रदेश की कमान सौंपी जानी चाहिए, जिससे तमाम तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मध्यप्रदेश कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। तो कई संभावित नामों पर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो सकता है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनाने की जिम्मेदारी सभी मुख्यमंत्रियों को है, सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को है कि वो अपने इस पद पर बने रहें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ उसको लेकर भी सियासत जारी है, और कल से धरने पर भी बैठने वाले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बात पार्टी के, उनका कहना है कि मैंने लोकसभा में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मेरे पास थी, लेकिन मैं पार्टी को जिता नहीं पाया, तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहता हूं। उसके साथ ही उन्होंने यह भी का मैसेज दिया है अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं को कि आप भी अपने इस्तीफे दीजिए, क्योंकि हार तो जिताने की जिम्मेदारी आपका थी, अगर पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ऐसे में एक और कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है, राहुल गांधी रूठे हुए हैं, मध्यप्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना है, तमाम तरह की सियासत हो रही है, तो इन सबके बीच आखिरकार इन सबका जवाब कब तक मिलेगा, इन समस्याओं का निराकरण कब तक होगा, इसकी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहा है, क्योंकि बिना नेता के कार्यकर्ता के करे क्या, ये बड़ा सवाल है। महिमा जी, बिल्कुल, युवा नेतृत्व को कमान अगर मिलती है तो प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा, ये तो कहना है जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का, लेकिन अब आला कमान इस चीज को डिसाइड करेंगे, इस चीज को तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। हाँ महिमा, कांग्रेस में सारी चीजें दिल्ली से ही डिसाइड होती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की सूची हो, चाहे विधानसभा चुनाव की सूची हो, यहाँ पीसीसी से सिर्फ नाम भेजे जाते हैं कि हमारी ओर से ये संभावित नाम है, आखिरकार जो चयन होना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगर बने रहते हैं अपने पद पर तो वही चुनाव करेंगे कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि लगातार दो जिम्मेदारियां कमलनाथ के पास है, सरकार और संगठन की, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो गया है, केवल एक चीज कांग्रेस के खाते में आई है,
28 सीटें बीजेपी को मिली और जो वोट परसेंटेज है वो भी बीजेपी का बड़ा है। जैसे मैं कमलनाथ ने भी जिम्मेदारी संभाल ली, दीपक बावर ये जो प्रदेश प्रभारी थे, इसके साथ ही सुरेश चौधरी, रामनिवास रावत कार्यकारी अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो सभी अपने पदों से इस्तीफा दे और इस्तीफा लगातार दिए जा रहा है, सभी जो कांग्रेस के नेता इस्तीफा लगातार दे रहे हैं। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प हो गया है अब कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी की कमान कोई और नेता संभाले और मध्य प्रदेश में किसी और को कमान मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। लेकिन फैसले पर कौन तय करेगा कि मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी क्या लगता है ये जो बैठक अभी हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक ले रहा है राहुल गांधी, क्या मुख्यमंत्री मना पाएंगे राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए, क्या इस बात पर अमल करेंगे राहुल गांधी, कुछ विचार करेंगे? अब बैठक से पहले फिलहाल कुछ भी संभावनाएं जताना निराधार रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी को मनाने की हर स्तर पर कोशिशें अब तक हो चुकी हैं। ये शायद अंतिम कोशिश हो कि जहां मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को मना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी उनसे कह सकते हैं कि आप जब तक कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल जाता आप कम से कम प्रभार कांग्रेस का संभाल के रखिए, क्योंकि आपके बिना जो पार्टी है वो बिखर जाएगी, कार्यकर्ता के मन में एक निर्भावना आ जाएगी, दुर्भावना आ जाएगी कि आखिरकार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है कोई स्थायी पार्टी के पास, तो कार्यकर्ता क्या करे। तो बैठक जरूर है, लेकिन बैठक से क्या सार निकल के आता है बैठक के बाद भी पता चलता है, क्योंकि राहुल गांधी को मनाने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी कोशिशें की जा चुकी हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार में जानकारी देने के लिए। वैभव